नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो के बारे में। दोस्तों आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नॉर्मलाइजेशन के, कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या इसकी प्रोसेस है। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है और नॉर्मलाइजेशन निकालते कैसे। आज हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या वैल्यू पुट करते हैं, वो हम आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये पूछा जा रहा था कि सर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग दो में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम नॉर्मलाइजेशन निकालना सीखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में किस शिफ्ट में कितने पेपर हुए हैं और उस शिफ्ट के माध्यम से उस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। सबसे पहले आपने देखा होगा रूल्स बुक में आपको एक इस प्रकार का एम आर आई जी इक्वल एम आर टी जी माइनस एम क्यू जी अपॉन में एम आर टी आई माइनस एम आई क्यू और ए यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई एम आई जे माइनस एम आई क्यू प्लस एम जी क्यू। इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला किताबों में लिखा रहता है, लेकिन इसको एक्चुअल में एक्सप्लेन करके मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा। तो यदि जिसने बताया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज हम इसको सीखते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं। दोस्तों हम यदि ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा इधर पे एम टी क्यू कुछ भी एम जी क्यू कुछ भी दिख रहा है, आप इस प्रकार से जब समझेंगे तो आपको ये काफी लेंदी लगेगा, आप सोचेंगे यार काफी टफ इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लिया, इसको भी मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लिया, इन सभी को एक एक वैल्यू मान लिया। वो कैसे मानते, इसका नया फॉर्मूला अपन ने जनरेट कर दिया। तो वो कैसे, एम आई जे बराबर देखिएगा मैंने लिखा इसको पी माइनस का क्यूब अपॉन में आर माइनस का एस इंटू में लिखा है इधर पे हम लिख देंगे नंबर नंबर माइनस एस प्लस का क्यूब। ये आपका नया फॉर्मूला अपन ने बना दिया है। अब आपको जो नॉर्मलाइजेशन निकालना है दोस्तों, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला सिर्फ सेम ही है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके लिए मैंने ये मान लिया, इसके लिए मैंने ये माना, इसके लिए ए माना, इसके लिए ए माना, समझ गए, ये फॉर्मूला एज इट इज है। अब बात आती है कि भैया ये पी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, और इधर पे एस और क्यू तो सेम है, क्लियर। हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, पी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। देखिएगा हम यदि ये सब चीजें समझ गए तो नॉर्मलाइजेशन निकालना बहुत आसान है। दोस्तों आपको मैं जो नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं ये एक अज्यूम किए हुए आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स मैं इसमें रखूंगा कोई भी संख्याएं मैंने एक मान ली है, कोई एक्चुअल मेरे पास डेटा नहीं है, सिर्फ हम सीख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं आपको इसमें जो संख्याएं होंगी हम मान लेते हैं, आप भी कुछ भी संख्या मान सकते हैं, आप निकालने की कोशिश करना। पी का जो मैंने माना है दोस्तों, पी क्या है, पी का मतलब होता है कि सभी शिफ्ट का जो आपकी ऑल ओवर शिफ्ट हुई है उन शिफ्ट का जो एवरेज, यदि मान लिया कि यदि जो पी का मतलब है आपके पास 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, 10 शिफ्ट के जो टॉपर्स होंगे उन सभी टॉपर्स का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का क्या रखा जाएगा 0.1% इस पी की जगह रख देते हैं लोग, ठीक है, समझना। ऑल ओवर मान लिए 10 शिफ्ट हुई, 10 शिफ्ट में आपके 10 टॉपर होंगे, 10 टॉपर का एवरेज निकाला जाएगा और जो एवरेज आएगा उसका 0.1% हम इस पी की जगह वैल्यू रख देते हैं, क्लियर बात। जहां समझ में ना आए बिल्कुल पूछ लेना। क्यू का मीनिंग क्या होता है, क्यू का मतलब होता है एवरेज ऑफ एग्जाम मार्क्स, यानी जो आपका ऑल ओवर एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का जो एवरेज होता है उस एवरेज को हम इधर रखते हैं, जिसको हम औसत बोलते हैं, औसत बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एग्जाम हुआ उसका औसत निकालेंगे और वो हम क्यू की जगह रखेंगे। आर का मतलब क्या होता है, सेल्फ शिफ्ट का परसेंटेज,
जो हमारी शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट का जो टॉपर होगा उस टॉपर का हम क्या करेंगे 0.1% लेंगे, 0.1% हम उस टॉपर का लेंगे जो हमारी खुद की शिफ्ट में हुआ है। हमारी सिंगल शिफ्ट का जो टॉपर है उसका 0.1% हम यहां लेते हैं। एस का मतलब होता है दोस्तों, एस का मतलब होता है सेल्फ शिफ्ट एवरेज, जो हमारी खुद की शिफ्ट का एवरेज है। जैसे मेरी शिफ्ट में 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 100 लोगों का मैंने एग्जाम से मतलब एग्जाम दिया, उसके नंबर से मैंने औसत निकाला और वो औसत में इधर पे पुट अप कर दूंगा। क्लियर, इधर पे सारी चीजें क्लियर है आपको। पी की जगह क्या वैल्यू रखोगे, क्या वैल्यू रखोगे, जो आपके ऑल ओवर जितने भी टॉपर्स हैं उनका एवरेज निकाल के उसका 0.1% पी की जगह रखोगे। ठीक है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं तो आपको याद रखिएगा। पी बराबर क्या होगा 0.1%, क्यू बराबर आपका क्या रहेगा औसत, यानी इसको हम एवरेज बोलते हैं। आर का मतलब होता है इधर 0.1% रखेंगे आप, और एस का मतलब रखेंगे आप दोस्तों क्या, एस बराबर रखेंगे औसत। क्लियर, अब ध्यान रखना है औसत आपको किसका रखना है, एस बराबर उसका मतलब खुद की शिफ्ट का लिखना है। आर बराबर 0.1% किसका लिखना है, खुद की शिफ्ट का टॉपर होगा उसका 1% लिखना है। औसत ये आपको ऑल ओवर एग्जाम का लिखना है, और ये 0.1% सभी एग्जाम के जो टॉपर्स हैं उन सभी का एवरेज 0.1% लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको वैल्यू मान लेता हूं, आपने इतना नोट कर लिया होगा आप समझना। अब मैं जो डेटा इसमें लिख रहा हूं वो एक एवरेज डेटा लिख रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहा हूं, मतलब एक एवरेज डेटा में लिख लेता हूं। मैंने मान लिया कि जो पी का वैल्यू मुझे औसत निकालना था 0.1%, है ना, यदि 0.1% जो मैंने औसत निकाला वो उसके नंबर, मैंने मान लो पी जो सॉरी हमारा पी है ना, पी का टोटल औसत निकाला वो कितना आया, जैसे मैंने कैसे निकालूंगा औसत बता दूं आपको, हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस आपका उर्दू हुआ प्लस और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है आपका, मैथ्स हुआ, मैथ्स मैंने लिख दिया, संस्कृत हुआ। ठीक है, ये जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के जो टॉपर्स होंगे, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो, जितने टॉपर्स होंगे उनके उतना बटे में आप नंबर लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, जितने टॉपर होंगे नीचे लिखेंगे। अब इसका भाग दोगे तो आपको एवरेज कैसे निकालोगे, मान लिया हिंदी वाले टॉपर के आपको 120 नंबर मिले, फिर आपको संस्कृत वाले टॉपर के मान लिया 115 नंबर मिल रहे, आपको साइंस वाले के 118 मिलते हैं, है ना, प्लस आपको मान लिया सोशल साइंस वाले के 117 मिलते हैं, इसके बाद आपने मान लिया कि उर्दू वाले के आपको कितने 110 मिलते हैं, फिर आपने इंग्लिश वाले के मान लिया 109 मिलते हैं, मैथ्स वाले के मान लिया 115 मिलते हैं। ये एवरेज आप कैसा निकालोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब क्या काम करोगे, इन सभी को जोड़ दोगे और इसका भाग दे दोगे। मान लिया कि मैंने इसका जो भाग निकला दोस्तों, मुझे कितना वैल्यू पुट अप करने को मिल रहा है इसका, 0.114, ये मुझे 0.1% मैंने निकाल दिया, इसका जो एवरेज निकला था औसत का 0.11% निकाल दिया। ठीक है, अब जब आप 0.11% मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, इस पी की वैल्यू मिल गई, तो मैं इस पी की जगह पे क्या रखूंगा, पी की जगह पे क्या रखूंगा, आपने फॉर्मूला पहले लिख लिया होगा, 0.114 लिख दिया। ठीक है, ये पी की वैल्यू मिल गई, अब मुझे निकालना क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू मैंने एक एवरेज मान लिया दोस्तों, कि इसका एग्जाम का जो एवरेज औसत होगा वो मान लिया मैंने 80 होगा, है ना, ये मैंने मान रहा हूं, मैं कोई चीज को बताऊं ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं बस सिखा रहा हूं आपको कि कैसे निकालते, एवरेज मैंने 80 मान लिया। आर मुझे निकालना है कैसे, 120 का जो मतलब उस पर्टिकुलर शिफ्ट का टॉपर है उसका परसेंटेज निकालना 0.1%, मान लिया उस टॉपर के 120 नंबर थे, उस 120 का 0.1% कितना होगा, कितना होगा उसका होगा 0.12% होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू रखती, एस की वैल्यू रखूंगा, एस का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ शिफ्ट, आपकी शिफ्ट का जो एवरेज रखा जा रहा है वो कितना होगा, तो आपको लेकर मान लिया मैंने कि उसका जो एवरेज होगा वो होगा एक एग्जांपल के तौर पे 86। क्लियर बात, अब आपको पता है इधर पे जो नंबर रखना है, नंबर वो रखना कि आपके कितने नंबर आए, आपने मान लिया कि मेरे जो नंबर 90 आए, आपने अपने नंबर 90 रख दिए, एस की वैल्यू तो आपको पता है, एस की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो, एस की वैल्यू आपने 80 मानी, सॉरी 80 मानी या 86 मानी, एस की वैल्यू 86, एस की वैल्यू आपका 86 रख दीजिए। क्यू की वैल्यू आपने क्या मानी, क्यू क्यू की वैल्यू आपने क्या रखी है, 80, तो इधर पे आप 80 रख दीजिएगा। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी, मैंने पहले बता दिया ये डाटा पूरा एज्यूम किया हुआ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, आप जो चाहे वो रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये मेरा माना हुआ डेटा है। अब देखते हैं, आपको पता है कि आपके नंबर तो 90 आए थे, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर कम होंगे या कितने नंबर ज्यादा होंगे। हम इस यदि फॉर्मूले के माध्यम से अब मैं दोस्तों इसको सॉल्व कर देता हूं, यदि मैं आप सॉल्व तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का मिलेगा 79.866 मिल रहा है, अपॉन में इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का मिलेगा मुझे 85.888 मिला, ठीक है, इनटू में क्या है 90 माइनस 86 तो इधर पे मिल जाएगा आपको 4, प्लस का है 80 तो 80 रख दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इधर पे आपको क्लियर पता है कि इधर पे मुझे 90 में से 86 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 86 उचार 90 होते, क्लियर, तो इधर पे आपको मिल गया 4। अब 4 और इधर पे 80 है, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 79.866 अपॉन में 85.888 इन टू में रहेगा आपका 84 और 4 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा दोस्तों तो आपको मिलेगा 84, क्लियर, 86 87 90 4 बची, 84 हो जाएगा। अब क्या काम करोगे आप, इसका इसमें दोगे आप डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 0. इधर लिख दे दो, डिवाइड करने के बाद 0.930, ठीक है, इसके बाद इनटू में आएगा अब आपका 84, तो आप क्या काम करोगे 84 और 30 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा जरा करके देख लेते हैं देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो 0, इसका मैं 4 3 12 12 2 हाथ क्या 1 4 9 36 और 1 37, ठीक है, इसका 0 8 3 24 24 की 4 हाथ के 2 8 9 72 73 74 की 4 74 की 4 हाथ की आई कुछ नहीं है ना, 74 की 74। अब आप देखते हैं आपको मिल गया सीधी सी 77, ये मिल जाएगा आपको सच्चा 11 की, तो आप एक एवरेज मान सकते हैं 78.1 आपके मार्क्स आते हैं, ये 78.1 मार्क्स आपके कितने आ गए दोस्तों, ए आए आपके नॉर्मलाइजेशन की बात, मतलब इसमें 90 में से आप इतने आपके नंबर बचे हैं। ये मैंने कुछ डेटा ऐसा माना था, जो आप इसमें डेटा ज्यादा मान लोगे तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, और इससे कम कुछ हो गया होगा तो ये नंबर आपके कम हो गए, क्लियर बात, तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन ऐसे निकालते हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सारा आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि किस शिफ्ट में दोस्तों कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, मुझे आशा है कि दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन मैंने निकाल के बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर बढ़ने की आशंका है। चलिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सभी शिफ्ट वाइज आपको ये पता है कि कौन सी शिफ्ट में कितना पेपर हुआ। पहला सब्जेक्ट हम हिंदी ले लेते हैं, यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर हमारा कितने शिफ्ट में हुआ था दोस्तों, 6 शिफ्ट में होता, 6 शिफ्ट में हुआ। दूसरा हम संस्कृत की बात करेंगे, संस्कृत की यदि हम बात करेंगे तो संस्कृत का पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में। इसके बाद आपका साइंस की बात करें तो साइंस का पेपर हुआ आपका दोस्तों 7 शिफ्ट में। अब आप मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स का पेपर हुआ आपका 4 शिफ्ट में, सॉरी मैथ्स का पेपर हुआ आपका 5 शिफ्ट में। इसके बाद आपका सोशल साइंस का जो पेपर हुआ दोस्तों सबसे ज्यादा शिफ्ट थी इसमें 13 शिफ्ट। छठवां उर्दू की बात करेंगे दोस्तों, उर्दू हुआ हमारा 1 शिफ्ट में। इसके बाद इंग्लिश जो हुआ दोस्तों वो हुआ 1 शिफ्ट में। अब आपको एक बात बता दूं कि उर्दू में तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि 1 शिफ्ट में पेपर हुआ, और इंग्लिश में 1 शिफ्ट में हुआ तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात होती नहीं, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की आपको पता है जरूरत क्यों पड़ी, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर अच्छा होता है,
मतलब इजी होता है, किसी का टफ होता है, किसी का मीडियम होता है। तो स्टूडेंट्स के जो लेवल होता है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखेंगे कि यदि मैं सोशल हिंदी की बात करूं, संस्कृत में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा एक या दो नंबर का इफेक्ट आएगा, ज्यादा से ज्यादा तीन, मैक्सिमम तीन से ज्यादा संस्कृत में नहीं होने वाला है। इसके बाद मैथ्स में भी जो रहेगा दोस्तों, मैथ्स में तो आप मान के चल सकते हैं ऐसा कि मैथ्स का कहीं कहीं पेपर टफ भी आया था, तो चार से पांच नंबर का आपका यहां पर डिफरेंस बन रहा है मैथ्स में, मैथ्स में आपके चार से पांच नंबर, क्योंकि दोस्तों आप पटवारी का जब एग्जाम होता 2017 में उसके नॉर्मलाइजेशन को उठा के देखना तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां कितना नॉर्मलाइजेशन पड़ रहा है, लेकिन पटवारी से कहीं ज्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। हिंदी में बात करेंगे दोस्तों तो हिंदी में दो या तीन नंबर से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं पॉसिबल बनना है, दो या तीन नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। सोशल साइंस में दोस्तों, साइंस में दोस्तों आपका वो तीन या चार नंबर रहेगा, सोशल साइंस में दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा हुआ, इसमें भी चार या पांच नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अब इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन है, एक एवरेज बता रहा हूं मैं, ऐसा कोई फाइनल ही नहीं है कि जो कुछ मैंने बता दिया वो बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस मैंने बताई है उससे आपको याद होगा, वो समझ गए होंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। आप एक बार अपने मार्क्स, जो आपके एक्चुअल मार्क्स आए उसको डेटा एज्यूम करना और एक बार निकाल के पूरी कोशिश करना, तो आपको भी नॉर्मलाइजेशन पता चल जाएगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं। दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया कि कौन से मतलब सब्जेक्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्लियर। तो दोस्तों अब बात आ गई हमारे जाने की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्ग तीन की तैयारी भी आप करना चाहते हैं तो AAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साइन पे जरूर क्लिक कर लें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों और भी वीडियोस मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि वर्ग तीन के लिए मैथ्स की क्लास कंटिन्यू चल रही है और आपको और भी वीडियोस लाऊं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। और भी कोई जरूरत हो आपको कोई जानकारी से लेकर तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट्स का जवाब दे सकूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।